हेलो गाइज, वेलकम टू मोबाइल चेक पॉइंट। तो दोस्तों, फाइनली ओप्पो की तरफ से लॉन्च होने वाला है ओप्पो A33। दोस्तों, इसके बारे में कुछ लीक्स हम यहाँ पर सामने निकल कर आ चुके हैं। दोस्तों, तो इसको आप कंफर्म स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी लीक्स आते हैं वो सब कंफर्म ही होता है और कंफर्म ही इंडिया में लॉन्च होता है। दोस्तों, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर आपको 90 Hz की डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ साथ 5000 mAh की बैटरी भी देखे। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे ओप्पो A33 फोन के बारे में, साथ साथ देखेंगे इस फोन में आपको क्या क्या प्राइस देखने को मिलता है और क्या क्या फीचर देखने को मिलता है और ये फोन कब इंडिया में लॉन्च होता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ओप्पो A33 फोन के बारे में। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देखें मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस फोन की डिजाइन की। दोस्तों, यहाँ पर आपको डिजाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा ओप्पो A33 फोन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बैक साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया गया, साथ साथ यहाँ पर आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा और फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको पंच नॉच दिया गया है। दोस्तों, डिजाइन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की डिस्प्ले की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की एक IPS से LCD स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि एक HD+ डिस्प्ले। साथ ही साथ इस फोन में आपको 90 Hz की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 90 Hz की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 90 Hz की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल के लिए अभी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ इस फोन में आपको एक पंच नॉच भी दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इस फोन में आपको 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाएगा ओप्पो A33 फोन में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डिस्प्ले बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है ओप्पो A33 फोन में। दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करें इस फोन की रैम और रोम वेरियंट की। तो दोस्तों, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 3GB+32GB की रैम और रोम वेरियंट। साथ ही साथ इस फोन में आपको 256GB तक एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट की सुविधा देगी, जो कि आप मेमोरी डाल कर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करें इस फोन की अदर सिम कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों, इस फोन में आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इस फोन में आपको 3.5mm हेडफोन जैक के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फोन में आपको 4G कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि 12 mode 4G का सपोर्ट इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करें इस फोन की सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है ओप्पो A33 फोन में, साथ ही साथ फेस अनलॉक सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये हो गया सिक्योरिटी बात। दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करते हैं उसकी कैमरे यानी कि उस फोन की फोटोग्राफी के बारे में। दोस्तों, फोटोग्राफी के लिए इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है रियर साइड में, जहाँ पर आपको 13 MP का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 MP का मैक्रो सेंसर और 2 MP का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है ओप्पो A33 फोन में। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको ओनली 13 MP का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, साथ साथ यहाँ पर आपको 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करते हैं उस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में। दोस्तों, फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्रंट में पॉन्चो नॉच दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है फ्रंट में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सेल्फी भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, मेरे हिसाब से इस प्राइस में आपको सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, बढ़ते आगे और बात करें इस फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करें ओप्पो A33 के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलर ओएस 7.2 बेस्ड एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉलर ओएस 7.2 बेस्ड एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। साथ साथ दोस्तों, अगर बात करें इस फोन की प्रोसेसर की यानी उस फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 460 की प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 460 के प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि क्वालकॉम की तरफ से आता है, जो कि 11 nm बेस्ड है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है ओप्पो A33 फोन में इस प्राइस रेंज में। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको ज़्यादा हाई ग्राफिक्स गेम नहीं खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गेमिंग ठीक ठाक खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छा गेम खेल सकते हैं, साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस फोन को जितना चाहिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा हाई ग्राफिक्स गेम खेलने से ये फोन आपको थोड़ा लैग देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करें फाइनली उसकी बैटरी के बारे में। दोस्तों, ओप्पो A33 फोन में आपको देखने को मिल जाता है 5000 mAh की बड़ा बैटरी। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस फोन में आपको 18 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 18 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं इस फोन की इंडियन लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में।
तो दोस्तों ये फोन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों इसका डेट अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। हो सकता है ये फोन नवंबर की स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल सकता है, ये फिर अक्टूबर की लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग की, जो कि उसका मेन हाईलाइट है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा 11,999 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का प्राइस आपको देखने मिलेगा 11,999 रुपये, ओनली ओनली 12,000 रुपये में इतने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 90Hz के डिस्प्ले रिफ्रेश सारे फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है, खासकर इस प्राइस रेंज में दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है 2020 में ओप्पो की तरफ से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा ओप्पो A33 फोन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों ने शेयर करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं ओप्पो A33 फोन आपको कैसा लगा।